हेलो गाइज, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोर्ड स्टोरीज। तो आज मेरे पास में एक हीरो की प्लेजर है, ओल्ड मॉडल हीरो होंडा की। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, और अगर आपके पास में हीरो होंडा या टीवीएस की कोई भी स्कूटी हो, टू व्हीलर, तो उसके अंदर एक समस्या हो। एक तो मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं होती है, और दूसरी प्रॉब्लम है 10 से 15 किक मार रहे हैं या सलम मार रहे हैं तभी जाके स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको इसके आपको 5 टिप्स दूंगा कि उससे आसानी से आपको आप स्टार्ट करा सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले इसका है पेट्रोल को चेक करना। तो पेट्रोल को चेक कैसे करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पेट्रोल की पाइप है, इससे टैंक से आती है, तो इसको बाहर निकालें तो पेट्रोल आ रहा है, अभी तो कम है। तो ये कैसे चेक होता मैं आपको देखा। तो एक जो दूसरी पाइप है, जो इस हेड की बेड पाइप को लगती है, ये भी टैंक से आती है। तो इसको अंदर इसको क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ तो इससे हवा खींचोगे, यहाँ इसके अंदर वापस हवा मारोगे, तो इस पाइप से पेट्रोल आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लिया आप, पेट्रोल आ रहा। मैंने क्या है, थोड़ा बहुत इससे इस पाइप से हवा को खींचा है तो आ गया है। तो पहला चेक करने का ये कि कभी क्या होता है, ये जो इसका तो इसके अंदर एक नीचे जो ये पेट्रोल कोक होती है, जो मेरे इसके पहले लगी हुई थी, मैंने इसका चेंज किया हुआ है। ये देख लीजिए आप, प्रीकूल कंपनी का लगाया। ये क्या, इसके अंदर एक छोटा सा कवर टाइप होता है, वो उसके अंदर छेद हो गया था, इसलिए वो पेट्रोल पूरा नहीं आ रहा था। एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम है जो इसके कार्बेटर और बैंड पाइप के बीच में ये जो ब्लैक कलर का आप रबड़ देख रहे हो, इसके अंदर एक साइड में, दोनों साइड में रिंग लगी होती है एक एक, तो उस रिंग के अंदर मावल सा कट हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आती है, और ये जो रबड़ है इसके अंदर भी कट होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। क्या कभी स्कूटी स्टार्ट तो हो जाएगी परंतु फिर बंद हो जाएगी, सिलो में सेट नहीं होगी, और एक्सीलरेटर ज़्यादा खींच रहोगे तो स्टार्ट होगी। दो तीसरा स्टेप आपको मैं दिखा देता हूँ, जो ये पाइप देखते हो आप, ये वाली मैंने इसका चेंज किया हुआ पाइप, क्योंकि मैं इसका पुराना वाला पाइप दिखा देता हूँ आपको। तो ये था इसका पुराना वाला पाइप, तो ये पाइप क्या था, छोटे साइज का था, एक तो यहाँ पे लग जाता था और दूसरी साइड में यहाँ। तो इसका क्या होता, जो आप अपने बाइक स्कूटी को मैन स्टैंड है, अभी तो लगी हुई है, मैन स्टैंड को नीचे उतारोगे तो ये इंजन क्या मूव करेगा नीचे की तरफ 2 इंच तक, तो ये पाइप क्या यहाँ से बाहर निकल जाता है। और कोई कोई पाइप बाहर नहीं निकलता है, जो रबड़ का होता है वो इस जॉइंट है ना, इसकी जगह कट आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से कट आ जाता है और इस हवा लीक होती है, और जब स्कूटी खड्डे में वगैरह नीचे दबती है तो क्या है, इंजन यहाँ से मूव करता है। मैं आपको मैन स्टैंड से नीचे उतार के भी दिखा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। ये देखा आपने, इंजन इतना हिल रहा पूरा। तो ये क्या, पहले तो अभी उस पाइप के अंदर लेंथ ज़्यादा दिख रहा था, अभी कम हो गया क्योंकि अब मैंने साइड स्टैंड पे किया हुआ, मैन स्टैंड नहीं है। तो अभी इसके अंदर एक दो आदमी ज़्यादा बैठेगा और वजन ज़्यादा होगा तो ये और खींचेगा। तो आप जब भी इस पाइप को लगाते हो तो थोड़ा 1-2 इंच लंबा लगाए, तो छोटा लगाने बाद में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे यही प्रॉब्लम हुई, क्या मैंने इस पाइप को लगा के दे दिया, वो जो छोटा वाला था ना, और क्या हुआ, खड्डे में गिरी और निकल गई। फिर क्या 10-15 किक मारते हैं और एक्सीलेटर पूरा खींच के रखते तो स्कूटी स्टार्ट होती, और उसको छोड़ देते तो फिर बंद हो जाती। ये हुए 3। और चौथा इसका स्टेप आपको मैं दिखाता हूँ, तो स्पार्क प्लग का करंट चेक करना, करंट में भी मिस्टेक हो सकती है। तो इसकी क्या हो सकती है, जो इस बॉडी के अंदर ये करंट का केबल है ना, जो क्या यहाँ पे देखिए एक कट है, तो इसका मैंने अभी इसके ऊपर टैप करूँगा और ये जो बॉडी के अंदर चिपके रहेगा जिस भी जगह, और वहाँ से क्या है मामूली इसके ऊपर जो प्लास्टिक है ये उतर जाएगा, तो क्या आधा करंट इस बॉडी के अंदर चला जाएगा तो
स्टार्ट नहीं होगा कितना भी किक मार दे, क्योंकि इसके अंदर पूरा स्पार्क प्लग के अंदर करंट मिलेगा नहीं, तो अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं होगा। और पांचवा स्टेप लास्ट इसका वाल क्लियरेंस, तो क्या है वाल ज़्यादा टाइट हो गए तो आप टिक लगा के चेक कर सकते हो। ये अपन टिक लगाएंगे, अब क्या है इसके ऊपर भार रख दिया है तो भी ये नीचे नहीं रह जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कंप्रेसर वाल वगैरह अच्छी तरह से टाइट लूज है, ज़्यादा टाइट नहीं है। और इसका वाल ज़्यादा टाइट होगा तो कभी स्टार्ट हो सकती है और सलूम स्टार्ट रहेगी नहीं, बंद हो जाएगी। और किक दबाएंगे तो किक एकदम अचानक नीचे चला जाएगा, जैसे कि अपन बाइक के अंदर जो क्लच प्लेट चली हुई जाती है या क्लच दबा के अपन किक मारते हैं तो कैसे जाती है, इसी तरह इसके नीचे चला जाएगा। तो ये थे पांच रीजन इसी के स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए। तो हो सकता है आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही ट्रेनिंग टिप्स देखने के लिए।